आने वाले 2 अक्टूबर को होने जा रहा है द स्ट्राइविंग मुस्लिमा का अल बरून 2.0 चैरिटी इवेंट, जिसमें आपके लिए होगा बहुत कुछ। आपको बता दें कि मुस्लिम औरतों और उनके बच्चों को इस्लाम की तरफ आने के लिए द स्ट्राइविंग मुस्लिमा एनजीओ की ओर से आने वाले 2 अक्टूबर को कोलकाता के मिली अल अमीन कॉलेज ऑडिटोरियम में एक चैरिटी एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूरा मुनाफा समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर इसके आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम जब स्ट्राइविंग मुस्लिमाज में कोई भी हमने प्रोग्राम करते हैं या कोई भी तरह के मैसेजेस वगैरह बच्चों को देते हैं या इवन लेडीज को देते हैं, तो हम हमेशा ऑथेंटिक हदीस या ऑथेंटिक नरेशन से देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर स्ट्राइविंग मुस्लिमाज यकीन नहीं करता है। वी ओनली गो बाय द कुरान, द हदीस एंड द सुन्ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम सना अनवर है। आई एम द फाउंडर ऑफ द स्ट्राइविंग मुस्लिमाज। इट इज़ अ ट्रस्ट which is working for the betterment of the Muslim community, especially the Muslim sisters. तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो vision है, the vision of Striving Muslimas क्या है? The vision of Striving Muslimas is to make everyone realize the importance of deen over dunya. बेशक आप दुनिया ना छोड़ें, अल्लाह ने नहीं कहा है कि आप दुनिया को बिल्कुल छोड़ के सूफी बन जाएं या उससे भी आगे चले जाएं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दीन को ना भूलें। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्लाह ने अहकाम फरमाए हैं उनको साथ लेते हुए दुनिया को साथ रखिए। सिर्फ दुनिया दुनिया मत करिए, दीन को, दीन की जगह, दीन की इम्पोर्टेंस को समझिए और साथ ही अपने फैमिली, अपने बच्चों को समझाइए। एक औरत होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को दीन का सही इल्म दें, और इसी इल्म के लिए हम लोग साथ में जुड़े हैं। इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड शेयरिंग एंड ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटिंग। हम जब स्ट्राइविंग मुस्लिमाज में कोई भी हमने प्रोग्राम करते हैं या कोई भी तरह के मैसेजेस वगैरह बच्चों को देते हैं या इवन लेडीज को देते हैं, तो हम हमेशा ऑथेंटिक हदीस या ऑथेंटिक नरेशन से देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर स्ट्राइविंग मुस्लिमाज यकीन नहीं करता है। वी ओनली गो बाय द कुरान, द हदीस एंड द सुन्ना। तो मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सबको बताना कि सब चीज़ें अपनी जगह होती रहेंगी, रोटी भी बनता रहेगा और शॉपिंग भी होती रहेगी, लेकिन अपने तमाम फ़राइज़ जो अल्लाह ने आपको दिए हैं आप उसको साथ लेते हुए चलिए। आने वाले 2 अक्टूबर को जो इवेंट आप लोग करने जा रही है अल बुरुज 2.0, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, अल बुरुज 2.0 एक फंड रेजर है स्ट्राइविंग मुस्लिमास के तरफ से। ये हमारा इनिशिएटिव है ताकि हम जो काम कर रहे हैं अभी तक हम इंडिविजुअल फंडिंग के तौर पर करें, तो हमारे जो मेंबर्स है वो अपने तरफ से जो भी फंड्स हमें देती हैं, पर अब हम उसको थोड़ा ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, तो ये सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम एक फंड रेज करना चाहते हैं ताकि हमें किसी को मायूस ना करना पड़े, हम उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके वो हम करना चाह रहे हैं। तो इस इवेंट को एक कार्निवल के तौर पर रखा गया है कि आप इस्लाम के दायरे में भी आप एक अच्छा दिन, एक फन फील्ड इवेंट आप एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आए और अपने बच्चों के साथ अपने एक अच्छा दिन गुजार कर जाए। मैं निशि के साथ बताना चाह रही हूँ। निशि ने जो बताया कि अल बुरुज के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि इनकरेज करना चाहते हैं कि व्हाट आर द वेज जिससे आप इस्लाम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम लोगों ने कॉन्टेस्ट का जरिया बना लिया, जैसे कि करप कॉम्पिटिशन है तो दिस इज अ वे ऑफ इनकरेजिंग यंगस्टर्स। जैसे कि कैलीग्राफी है तो अरबिक कैलीग्राफी को इनकरेज कर रहे हैं। क्विज है तो क्विज हमारा पूरा इस्लाम पर बेस्ड है, तो उससे लोग जो है ना क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी पढ़ेंगे, उनको नॉलेज गेन होगा। या कुकिंग कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट फूड आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करने या यूज़ करने के लिए कहा है। तो छोटे छोटे तरीकों से हमारी कोशिश है कि हम किस तरह अपनी बहनों को बताएं कि यू नो यू लर्न फ्रॉम दी स्मॉल स्मॉल वेज। क्या एंट्री फी रखा गया है? बहुत ही मामूली सा, आई थिंक 50 रुपीज एक एंट्री फी है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई एंट्री फी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फी दे रहे हैं विजिटर्स के लिए। एंड इट्स ओपन फॉर ऑल वेमेन एंड चिल्ड्रेन बॉयज अप टू द एज ऑफ 15। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम है। स्टॉल्स हमारा फूड स्टॉल में बहुत प्रीमियम स्टॉल्स रखा है, हमें इसको एग्जीबिशन के तौर पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ पे स्टॉल्स होंगे वो बहुत प्रीमियम इस्लामिक वेयर और हैंड पिक स्टॉल्स है। फूड आइटम्स भी ऐसा रखा है कि वो बहुत प्रीमियम आइटम्स है, जैसे कि
पांच ही स्टॉल हमने रखे और मनोज सलवार हमने बताया जैसे अर्बन ग्रिल वहाँ पे अपना डेब्यू कर रहे हैं क्योंकि वो यूजली हाँ वो हमारे फूड पार्टनर है और वो डेब्यू करे अपने स्टॉल्स के साथ वहाँ पे, तो आप उनका भी फूड टेस्ट करेंगे। मनोज सलवार भी एक बहुत नोन ब्रांड है अभी कैलकाटा में। साथ में हमारे जो होम बेकर्स हैं, जो हमारी जो औरतें जो होम कुक्स है, होम शेफ जो अपना क्लाउड किचन चलाती है, उनको भी हमने मौका दिया आकर अपना स्टॉल वहां लगाने के लिए। आप लोग जो स्पॉन्सर्स है उसके बारे में? जी हमारे स्पॉन्सर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ऐसे लोग सामने आते हैं, जुड़ते हैं हम लोगों से और हमारी बहुत सारी मदद करते हैं ताकि हम अपना प्रोग्राम बेहतर तरीके से कर सकें। उसमें सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ अर्बन व्यू की, अर्बन ग्रिल की और अर्बन क्लिफ की, इन लोगों ने अपना स्पेस प्रोवाइड भी किया है और साथ उसके हमारे आज के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर भी हैं और अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं। द कमिंग अप विद द कॉम्बो मील्स फॉर दिस फेस्टिव सीजन। और मनोज सलवा इज ऑल्सो डेब्यूइंग, एज निशात हैज जस्ट ओल्ड अस दैट मनोज सलवा इज डेब्यूइंग विद देयर फेमस कॉफी एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। दो अक्टूबर को कॉफी जो आप देख रही है देख रही है और जो 2 अक्टूबर को आना चाहते हैं उनके लिए क्या है? जी हम लोग तहे दिल से आप सबका खैर मकदम करते हैं, ऑल ऑफ यू वेलकम टू द ओपन आर्म्स। आप लोग सब आइए अपने बच्चों के साथ आइए और वहाँ पे नमाज की जगह भी प्रोवाइडेड है, वजू की जगह भी प्रोवाइडेड है। आइए खाइए पीजिए खेलिए नमाज पढ़िए कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए। इन सब का मकसद जो है औरतों को दीन की तरफ भी लाना है? बेशक पूरा मकसद दीन की तरफ माइल करना है, लोगों को ये बताना है। लोगों को कई बार लगता है कि इस्लाम में ये अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है या ऐसा या वैसा, तो ये सारे परसेप्शंस को क्लियर करना है कि आप दायरे में रहकर भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। यू डोंट हैव टू क्रॉस योर लाइन, यू कैन डू, इसीलिए हम लोगों ने खासतौर पर औरतों के लिए रखा है। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए मैं फिर से मैंने अर्बन गर्ल को अपने हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड मैं देना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आर स्पॉन्सर्स एंड KGC कलीम ग्रुप ऑफ कंपनीज, ATK कलीम ग्रुप फॉर गिविंग अस द स्पॉन्सर, शमीम स्टोर्स, मनोज सलवा हॉर्स एंड आर मोर स्पॉन्सर्स लाइक गहना एंड मुमताज रजा हमेशा हमारे साथ रहती हैं, जो कि ना सिर्फ फाइनेंशियली बट पर्सनली भी बहुत हमारी मदद करती हैं। आंटी ऑन द स्क्वाड, हैप्पी मॉमी प्लेस, जफर्स किचन, जफर्स बेकरी बेसिकली, बेला डे एंड गहना, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ वेरी बिग शाउट आउट टू आवर मीडिया पार्टनर्स फॉर गिविंग अस देयर वैल्युएबल टाइम।